सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने टू पोर्ट नेटवर्क से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि है फाइंड वाई एंड जेड पैरामीटर्स फॉर द नेटवर्क। तो हम लोगों को इस दिए हुए नेटवर्क के लिए y एंड z पैरामीटर्स के वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। इस दिए हुए नेटवर्क के लिए बेसिक KCL रूल का यूज़ करके हम लोग पहले y पैरामीटर्स के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर y पैरामीटर्स के इनवर्स को कैलकुलेट करके z पैरामीटर्स के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो y पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लेना होगा करंट I1 और इस नोड पर वोल्टेज लेना होगा V1। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को करंट लेना होगा I2 और इस नोड पर वोल्टेज लेना होगा V2। तो यहाँ पर पहले पोर्ट के लिए इक्वेशन होगा I1 इज इक्वल टू 0.5 I3 और V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 8। अब हम लोगों को इस I3 के वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। तो I3 का वैल्यू हम लोगों को कहाँ पर दिया हुआ है, इस ब्रांच पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर से हम लोग I3 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, I3 इज इक्वल टू V2/5। अब इस I3 के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन पे पुट करेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे I1 इज इक्वल टू 0.5 और I3 के वैल्यू को पुट करेंगे V2/5 प्लस V1/8 फिर माइनस V2/8। अब हम लोग इस इक्वेशन पे V1 वाले टर्म को अलग करके लिख लेंगे और V2 वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो हम लोगों को मिलेगा V1/8 प्लस V2 को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1/10 और फिर माइनस में कितना लिखना होगा 1/8। I1 इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा V1/8 और इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा माइनस 1/40 V2। अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड y पैरामीटर के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो y11 का वैल्यू हो जाएगा 1/8 और y12 का वैल्यू मिलेगा माइनस 1/40। अब हम लोग आगे इस सेकेंड पोर्ट के लिए KCL इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड पोर्ट के लिए KCL इक्वेशन होगा I2 इज इक्वल टू V2/5 प्लस V2 - V1/8। अब हम लोग यहाँ पर V2 वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे और V1 वाले टर्म को एक साथ, तो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू माइनस V1/8 प्लस V2 फिर कॉमन लेंगे 1/5 आएगा, फिर और कितना आएगा 1/8। अब इस वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे तो I2 इज इक्वल टू मिलेगा माइनस V1/8 और इन दोनों टर्म को सॉल्व करने से
हम लोगों को मिलेगा 13/40 V2। अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड y पैरामीटर के इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो y21 का वैल्यू मिला -1/8 और y22 का वैल्यू मिला 13/40। अब हम लोग आगे z पैरामीटर के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। z पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए इस y पैरामीटर्स का हम लोगों को क्या करना होगा, इन्वर्स कैलकुलेट करना होगा। तो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को 1/8 और 13/40 दोनों के पोजीशन को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 13/40 और यहाँ पर लिखेंगे 1/8 और इन दोनों टर्म पे हम लोगों को साइन चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा +1/8 और ये हो जाएगा 1/40। अब हम लोग इस पे इस वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 13/320। फिर माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पर आएगा माइनस और मिलेगा 1/320। और इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 12/320 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3/80। इस 3/80 को इन सभी टर्म्स के साथ हम लोगों को डिवाइड करना होगा। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 8.67 मिलेगा और यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 0.67 और यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 3.33। तो इस प्रकार से हम लोगों ने z पैरामीटर्स के वैल्यू को फाइंड आउट किया। z11 का वैल्यू 8.67, z12 का वैल्यू 0.67, z21 का वैल्यू 3.33, z22 का वैल्यू 3.33। यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।